नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टूर कैंप पे। और आज हम बात करेंगे तमिलनाडु में स्थित कोडाईकनाल के बारे में। तो चलिए जानते हैं कोडाईकनाल में घूमने लायक 10 सबसे लोकप्रिय जगहों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है पिलर रॉक्स। कोडाईकनाल बस स्टैंड से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह जगह कोडाईकनाल की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक गिनी जाती है, जिसका नाम वहां पर खड़े 400 फीट ऊंचे 3 बड़े पत्थरों के ऊपर से रखा गया है। यहां पर खड़े रह के पूरे क्षेत्र का शानदार परिदृश्य देखा जा सकता है। यह चट्टानों के बीच में गहरी खाई भी मौजूद है, जिसे डेविल्स किचन के नाम से जाना जाता है। नंबर 9 पर है गुना केव्स। गुना केव्स कोडाईकनाल के मशहूर पिल्लर रॉक्स के नीचे बनी हुई है, जो अपने खौफनाक घटनाओं के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस जगह को डेविल्स किचन के नाम से भी जाना जाता है। पहले कुछ लोगों की मौत की वजह से यह जगह बंद की गई थी, लेकिन वर्तमान में इस जगह का कुछ हिस्सा पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। यहाँ पर मौजूद 16 पेड़ की जड़ें देखने लायक है। नंबर 8 पर है सोलर ऑब्जर्वेटरी। कोडाईकनाल से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह ऑब्जर्वेटरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा संचालित है, जो पलानी हिल्स के दक्षिणी छोर पर बनी हुई है। यह ऑब्जर्वेटरी हरियाली से ढके इस हिल स्टेशन की ट्रिप को और एक्साइटिंग बना देती है, जहां पर आप डॉपलर रडार, वॉटसन मैग्नेटोमीटर और जीपीएस रिसीवर जैसे कई यंत्रों को देख सकते हैं। नंबर 7 पर है कुरिंजी अंदावर टेंपल। सन 1936 में बने इस मंदिर का निर्माण एक यूरोपीय महिला ने हिंदू धर्म को अपना के करवाया था, जो कोडाईकनाल से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह इलाका अपने दुर्लभ कुरिंजी फूलों के लिए काफी प्रसिद्ध है, जो हर 12 साल में एक बार खिलते हैं। यह मंदिर भगवान मुर्गन को समर्पित है। नंबर 6 पर है लिरिल वाटरफॉल। समुद्र तल से तकरीबन 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह वाटरफॉल कोडाईकनाल से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो ग्रैंड कैसोट, पंबर और वतकनाल फॉल के रूप में भी जाना जाता है। यह वाटरफॉल पानी की 3-4 धाराओं को मिलकर बनता है और यह फॉल नीचे कुंड में एकत्रित होता है, जहां पर पर्यटक स्नान भी कर सकते हैं। बारिश का टाइम इस वाटरफॉल को विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। नंबर 5 पर है डॉल्फिन नोज। समुद्र तल से तकरीबन 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह जगह कोडाईकनाल से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर खड़े रह के आसपास के पर्वतीय विस्तारों का शानदार परिदृश्य देखा जा सकता है। एडवेंचर लवर्स यहां पर ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। अक्टूबर से मार्च इस जगह को विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। नंबर 4 पर है बैरीजाम झील। तकरीबन 60 एकड़ के बड़े क्षेत्र में फैली यह झील कोडाईकनाल से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कई प्रकार के मशरूम के पेड़ों से घिरी हुई यह झील कोडाईकनाल का सबसे लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट माना जाता है, जहां पर जाने के लिए पहले से परमिट लेना पड़ता है। यहां पर सुबह 9:30 से दोपहर के 3 बजे तक प्रवेश मिल सकता है। नंबर 3 पर है कॉकर्स वॉक। इस जगह का नाम एलटी कॉकर्स के नाम से रखा गया था, जो कोडाईकनाल झील से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जगह सूर्योदय के टाइम पे टहलने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। यहाँ पर मौजूद टेलीस्कोप हाउस काफी लोकप्रिय है, जहाँ से
सुंदर वैली के नज़ारों को देखा जा सकता है। साथ ही साथ फोटोग्राफी के लिए यह सबसे आदर्श जगह मानी जाती है। नंबर दो पर है ब्रायंट पार्क। कोडाईकनाल के बीच में स्थित यह अच्छी तरह से संरक्षित एक वनस्पति उद्यान है, जहां पर पर्यटक कैक्टस की बहुत सारी प्रजाति देख सकते हैं। अपने पीक सीजन में यह जगह पूरी तरह से हरियाली और रंगीन फूलों से ढक जाती है। इसके साथ साथ आप यहां पर 150 साल पुराना एक यूकेलिप्टस का पेड़ भी देख सकते हैं। और नंबर वन पर है कोडाईकनाल झील। तकरीबन 60 एकड़ के क्षेत्र में फैली यह एक कृत्रिम झील है, जो अपने साफ सुथरे नीले रंग के पानी के कारण काफ़ी लोकप्रिय है। कोडाईकनाल के बीचों बीच स्थित यह झील कोडाईकनाल का सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, जहां पर पर्यटक खुशनुमा माहौल का आनंद लेते हुए बोटिंग, घोड़े सवारी और साइकिलिंग भी कर सकते हैं।